गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? मज़े में एंजॉय हो रहा है ना? यस, एंजॉय तो हो रहा होगा, बट आई थिंक ऑल ऑफ यू माइट बी मिसिंग योर स्टडीज ऑल्सो. कितने बच्चे स्टडीज मिस कर रहे हैं बताइए. हाउ मेनी ऑफ यू आर मिसिंग द स्टडीज? और जो सबसे ज़्यादा आप जो मिस कर रहे होंगे वो होंगे आपके फ्रेंड्स. यस, और स्कूल. और अब टीचर्स को मिस करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, टीचर्स तो आपके सामने ही आने लगे हैं. अच्छा लग रहा है? यस. तो अब पहले से जितना एन्जॉयमेंट हुआ है, अब थोड़ा और भी एन्जॉयमेंट करेंगे. हम पढ़ाई भी करेंगे और साथ में इस लॉकडाउन पीरियड को स्टडीज़ के साथ एन्जॉय भी करेंगे. और हमारे साथ साथ में स्कूल में सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही है, तो वो इंटर हाउस एक्टिविटी भी आप एन्जॉय कर रहे होंगे. यस. चलो, तो घर बैठे बैठे पढ़ाई हो रही है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी. क्या पढ़ने वाले हैं? एस ग्रामर ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ. वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर ऑफ एस ग्रामर, लेसन नंबर 2, दैट इज कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. क्लियर स्टूडेंट्स? यस. रेडी फॉर इट? यस. चलो, तो हम अब स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2. लेसन नंबर 2 में क्या स्टार्ट करना है? कॉमन नाउन एंड प्रॉपर. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेसन नंबर 2, क्या नाम था लेसन का? नाउंस. बिफोर स्टार्टिंग द लेसन वे लेट्स रिकॉल द लेसन. तो बताइए स्टूडेंट्स, वॉट आर नाउंस? सोचिए ज़रा. अरे वाह, वेरी गुड, ऑल द स्टूडेंट्स आर नोइंग द आंसर्स. एक्सीलेंट. तो वॉट आर नाउंस? नाउंस आर वर्ड्स दैट नेम द पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. अगेन वील से वॉट आर नाउंस? Nouns are the name of. Nouns are the name of place, person, place, animal, or things. Clear students? Yes. Now for your better understanding, let's see some sentences relating to them. So here are the sentences. We will start with the first sentence. Raman never quarrels with his friends. Raman never quarrels with his friends. So here, Raman and friends, what are they? Nouns. Second sentence, this table is made up of wood. So table and wood, they are nouns. Third sentence, mice fear cats. So, mice and cats, they are also nouns or name of animals. They are also nouns. There is a garden and a school near my house. So, garden, a school, house, all these are name of the places. So, let's understand better. Raman, friends are the name of the people. Table and wood are the name of the things. Mice and cats are the name of the animals. Garden, school and house are the name of the places. So, words which are used as the name of a person, animal, place and things are called nouns. Recall ho gaya? Nouns kise kehte hai? Kisi bhi व्यक्ति, एनिमल, प्लेस या थिंग के नाम को नाउंस कहा जाता है. यह है पर्सन, देन प्लेस, एनिमल और थिंग्स. इनके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउंस. क्लियर बेटा? यस. हमारे बच्चे तो स्मार्ट है ही, तो नो इश्यू.
सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 2 ऑफ इस ग्रामर, दैट इज कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो नाउन आर ऑफ मैनी टाइप्स, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स, दैट इज कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। उसके पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं सो वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। ए चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, चेयर प्लास्टिक, सॉरी अ चेयर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। पहले यूजुअली हम यूज वुड से बना चेयर यूज करते थे इसलिए मुंह से वही निकल जाता है। नाउ वी आर यूज टू प्लास्टिक, सो अ चेयर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो चेयर एंड प्लास्टिक दे आर नाउन। ए बर्ड फ्लू ओवर द ट्री, तो बर्ड एंड ट्री दे आर नाउन्स। द टॉल वोमेन वॉक फास्ट, तो वोमेन इट इज अ नाउन। ए मदर इज अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस एंड लव, तो ए मदर, सो ऑल दीज थिंग्स आर नाउन्स। अब वो कैसे नाउन्स है वो हम देखते हैं। हियर चेयर, प्लास्टिक, बर्ड, ट्री, वोमेन, मदर डू नॉट इंडिकेट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं की है, वो कॉमन में यूज हुआ है। दैट्स वाई सच नेम्स विच आर यूज कॉमनली फॉर द सेम क्लास और काइंड आर कॉल्ड कॉमन नाउन। हम सबको एक साथ लेके चलते हैं तो ऐसी चीज़ों को नेम ऑफ द पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग उसे कहते हैं कॉमन नाउन। डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स आर द नेम ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं। कप, हॉर्स, पेंसिल, पैरोट, कंप्यूटर, और ऐसे तो अनगिनत हो सकते हैं। दीस आर ओनली फ्यू एग्जांपल्स। अब इसके हमको थोड़े पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। कॉमन नाउन डू नॉट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, कॉमन नाउन कभी उसका कैपिटल लेटर से लिखा नहीं जाता है अनलेस इट इज़ एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर वो शुरुआत में हो तो हमको नेचुरली लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस के बीच में हो तो कभी भी कैपिटल लेटर नहीं लगता। नाउ लेट्स सी द पिक्चर। हियर द चेयर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो ये चेयर कॉमन यूज हुआ है और प्लास्टिक ये कॉमन में हम यूज करते हैं, सो इट इज अ कॉमन नाउन। बर्ड, यहाँ पे हमने किसी बर्ड का स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है, तो ए बर्ड सेट ऑन, व्हाट वाज द सेंटेंस? यस स्टूडेंट्स टेल मी, द ए बर्ड फ्लू ओवर द ट्री, के ट्री के ऊपर से उड़ गई। तो हियर बर्ड एंड ट्री दे आर कॉमन नाउन्स। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए हॉर्स, सो दैट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन्स आर द नेम्स पैरोट, दैट ऑल्सो कॉमन नाउन। सो नेम ऑफ चेयर, प्लास्टिक, बर्ड, एनिमल विच डू नॉट इंडिकेट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स, और उसको कभी भी कैपिटल लेटर नहीं लगता, दे आर रिटन विथ स्मॉल लेटर ओनली। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? वेरी नाइस। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं विथ प्रॉपर नाउन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लेट्स अंडरस्टैंड विथ सम एग्जाम्पल्स। हैव यू मेट आकाश, तो आकाश क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। ही केम फ्रॉम कोहिमा यस्टरडे, कोहिमा नेम ऑफ द सिटी, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। द रामायण इज अ ग्रेट एपिक, तो रामायण एक बुक का नाम है, तो पर्टिकुलर बुक है, स्पेसिफिक वन ऑफ इट्स ओन काइंड। तो यहाँ पे आकाश इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन।
कोहिमा इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर टाउन. देन रामायणा इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बुक. तो ये सब स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ों के, बुक के और पर्सन के नाम है. सच नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन, अब हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स? प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग. उसका फ्यू पॉइंट्स भी दिमाग में याद रखना है क्या? प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, भले वो शुरुआत में हो के सेंटेंस के बीच में हो, कहीं भी इट ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं. संडे रीना, दिवाली मे टॉमी. तो व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स? प्रॉपर नाउन्स आर द नेम. तो अगेन वी विल रिवाइज. व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन. तो दिस इज आकाश, ही इज अ स्पेसिफिक पर्सन, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन रामायणा, दिस इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक बुक, पर्टिकुलर बुक, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. दिवाली, इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर फेस्टिवल, सो पर्टिकुलर फेस्टिवल इज देयर, दैट्स वाई इट इज अ प्रॉपर नाउन. रीना, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल. सो वेन वी आर स्पेसिफाइंग अबाउट पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. एंड प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विथ अ कैपिटल लेटर. क्लियर स्टूडेंट्स? यस. नाउ आई थिंक सो ऑल माई डियर स्टूडेंट्स माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट आर कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स.